इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी YouTube की वीडियो को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। शेड्यूल का क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका नुकसान है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका नुकसान आपको बता देता हूँ कि इसका नुकसान क्या है। तो सिर्फ इसका एक ही नुकसान है कि आपको जो YouTube पर प्राइमरी ऑप्शन मिलता है उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप शेड्यूल पर लगाते हैं। अब फ़ायदा इसका क्या है, फ़ायदा इसका यह है कि आपने दो तीन वीडियो एक साथ बनाई, अब दो तीन एक साथ वीडियो आप पब्लिश तो नहीं कर सकते, तो एक टाइम लगा सकते हैं कि ये आज पब्लिश होगी या परसों को पब्लिश होगी या अगले वीक पब्लिश होगी, तो ये आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है YT स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से आ जाएंगे। तो एक वीडियो यहाँ पर मेरी प्राइवेट है, तो पब्लिक वीडियो को आप शेड्यूल पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो पहले ही पब्लिक हो गई। अगर कोई वीडियो आपकी प्राइवेट है, चाहे 10 साल में हो चाहे 15 साल में हो, तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। जब तक आपने उसको पब्लिश ना करी हो तब तक आप प्राइवेट रखते हैं उसको पहले, उसके बाद आप उसको शेड्यूल पर लगा सकते हैं। आप वीडियो पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद पेंसिल के आइकन पर क्लिक करिए, उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिल जाएगी। तो प्राइवेसी पर क्लिक करिए, यहाँ पर सबसे नीचे आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, तो शेड्यूल पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट आ जाएंगी, अगले महीने करना चाहें, अगले महीने, अगले साल भी करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पर ये लग गया और यहाँ पर ये टाइम भी लग गया, यानी कि हम ये करना चाहते हैं 2021 में, तो आप यहाँ से करना चाहें। आप 10 मिनट बात करना चाहें, 15 मिनट बात करना चाहें, कितनी भी देर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, शेड्यूल पर लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है शेड्यूल पर लगाने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस आपको सेव करना है और सेव करते ही आपकी वीडियो शेड्यूल पर लग जाएगी। तो अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।